बच्चे पुत्र मजा ही आ गया। अबे सब खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग? भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास है एक बत्तख और एक मुर्गी, और हमने सोचा था कि बत्तख को भी ज़बह करेंगे और मुर्गी को भी ज़बह करेंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैं फहद भाई की छत पर कैसे मौजूद हूँ। तो भाई आज जो है ना, चूंकि बड़ी मुर्गी है, असील मुर्गी है, और मुर्गी ऐसी है ज़बह करने वाली चीज़ है नहीं वैसे आमतौर से ना, लेकिन हम इसको ज़बह कर रहे हैं। जब बड़ी मुर्गी है तो कसाई भी बड़ा होना चाहिए, तो आज हमने बुलाया फुल प्रोफेशनल कसाई है। देखो अभी ज़बह कर रहा है एक गधे को। क्या हो रहा है? अबे मेरी टांग काट, ये मैं इसकी टांग काटूंगा, फिर इसके बाद इसकी गर्दन काटूंगा। पहले टांग कटेगी? पहले टांग। ये कौन सा कसाई है? ये इसका उल्टा है मामला। अबे भाई मुर्गी को तलवार से ज़बह करोगे क्या? ये वाली मुर्गी असील मुर्गी है, बहुत ही बाप किस्म की मुर्गी है, मतलब नस्ली, और ये इतने आराम से पकड़ में आती नहीं। ये देखो इसके तमाशे देखो, अभी इसको पता चल गया है। मुर्गी पता नचाने वाली मुर्गी है। तलवार तो रख दो, अबे तलवार तो रख दो, तलवार लेके भाग रहा है। ओए 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 ओए, भाई फाद भाई के दो बत्तखें भी हैं, दो बत्तखें भी हैं, इनको क्या ज़बह करोगे फाद? इनको तो अभी नहीं, बाद में। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मुर्गी जो है ना वो बत्तखों को बहुत मारती है। आज हमारे घर में ना बत्तख भी है, मुर्गी भी है, इसने बत्तख को मार मार के उसको कबाड़ा कर दिया। फिर इसको मैंने अलग किया, बड़ी खतरनाक मुर्गी है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज है तेरा दिन। वैसे एक बात है, है बड़ी मगर ये हल्की सी है। देखो औरतें भी हल्की हल्की होती है ना, ये भी हल्की सी है। हाँ वैसे इसका बनाना क्या है? रोस्ट बनाना है, चिकन टिक्का बनाना है? मैं इसका तो रोस्ट। रोस्ट रोस्ट देख लो डाइटिंग पे हम लोग, मैं भी सुनो भाई भी, तुम तो डाइटिंग करते नहीं हो, तुम तो खाना खाते रहते हो। खाना खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे? खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे, जान कैसे बनेगी? इसको करते हैं ज़बह, और आप लोग देख सकते हैं फुल डाइट वाली मुर्गी है माशाल्लाह से। अरे ज़बह होने का वक्त हुआ चाहता है आज। सुनो भाई हम हर जानवर का एक नाम रखते हैं, इसका क्या नाम रखें? ज़बह होने से पहले इसका कोई नाम रख देते ना यार। बानो बेगम। बानो बेगम वजह? वजह तो मैं छोड़ के रह गई थी। वो तो कोई और नाम था, इसका नाम वो तो नजमा थी। हाँ इसका नाम नजमा रख देते हैं। नजमा नजमा आज तेरी, आज तुझे को ज़बह करेंगे। अबे ऐसा लग रहा है चोंच मारेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम हाथ से ज़बह कर दोगे, गला दबाओगे। बिस्मिल्लाह हो गया भाई, बत्तखों को साइड कर दो। सही है जी, बत्तखों को साइड कर दो ताकि खून वगैरह ना देखें। फिर आप लोग कमेंट में गालियां दोगे कि बत्तखों को सामने मुर्गी को ज़बह कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही, कैसे बगैरत लोग हो तुम लोग? क्या है दोनों, ये फीमेल है दोनों? मेल है, एक मेल है एक फीमेल है। अच्छा तो वो वाइट वाली है वो मेल है। तो अंडे वंडे दे रहे हैं? अंडे वंडे अंडे तो अभी तक नहीं दिए, नहीं दिए अभी तक। दोनों बत्तखें ना एक साथ भाग रही हैं, आप नोट करो, दोनों साथ साथ भाग रही हैं, अलग ही नहीं हो रही एक दूसरे से, इन दोनों को साथ ही पकड़ेंगे। आए एक पकड़ ली भाई, यार माशाल्लाह। छोड़ दो मेरी बीवी को बेटा, व्हाइट वाला वो होता है मर्द होता है, ये वाली औरत है, वो औरत है ये मर्द है बाकी। मतलब वो अपने शौहर के लिए चीख रही है यार, उस वो देखें कितनी खूबसूरत है, नरम भी है, शौहर तो लड़का होता है, वो सख्त भी होता है, मतलब वफादार बीवी है, वफादार बीवी। नहीं आ रही बेटा, मैं इसको लेके खड़ा हूँ, नहीं आ रही। फहद भाई कह रहे हैं इसको लेके यहाँ पे खड़े हो, वो खुद इसके पीछे आएगी। नहीं नहीं वैसे एक बात बताऊं, हाँ। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये मर्द है वो औरत है, मगर अपने शौहर को मुंह नहीं लगाती है। अच्छा अगर आप इसकी बीवी को पकड़ेंगे ना 2 मिनट में भागता है। एक्सपेरिमेंट करें अभी, ये शोर भाग रहे तो खुद नहीं आएगा आपके पीछे। देखते हैं वफादारी चेक करते हैं आज, वफादारी कितना वफादार है वो मर्द है ना, अपनी बीवी के साथ कितना वफादार है आज दिखा दे। नहीं अभी तक तो बहुत दूर खड़ा है, आएगा अभी देखें कैसा है। हम लोग काफी दूर आ चुके। अरे 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 देखा, बस वो अपनी बीवी को देख लिया ना उसने एक दफा, बस उसका दिन पूरा हो जाए। वो ढूंढ रहा है यार अपनी बीवी को, मजे लग गए। क्या बात है जी, क्या बात है। अब आप इसको नीचे भी लेके जाएंगे ना, नीचे भी आ जाएगी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है ना, ग्राउंड बड़ा होगा ना तो फिर पता है। वो ढूंढ रहा है अपनी बीवी को, ढूंढ रहा है, भौंकता हुआ होता है। चलो यार इनको बंद कर देते हैं, बेचारों को इनको क्यों तड़पा रहे हम। चलो आ जाओ, बस 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 टेंशन नहीं लो, एक दिन फहद भाई तुम लोगों को भी ज़बह करेंगे इंशाल्लाह। बत्तख हलाल?
ऐसे हलाल होती है बत्तख, वैसे क्या हलाल ही होती है, हलाल है ना। और उसके अलावा मुझे दिल नहीं चाह रहा क्योंकि इतनी मासूम प्यारी सी हैं, लोग यार असल प्लीज इनको ज़बान ना करें यार, ये चेक करो ना आप इसके ऊपर, इतनी नरम है, इतनी नरम है, ये देखो ना इसके, ये देखें कितनी नरम है, और ये देखो ये पाँव चेक करो, ये एक दो दिन में मुझे लगता है अंडे भी दे देगी। अच्छा हाँ, ये फुल अय्याशी से घूम रहे होते हैं तो बत्तख को खा सकते हैं वैसे। हाँ, खा सकते हैं, हलाल होती है। खरगोश खा सकते हैं, खरगोश भी खा सकते हैं हलाल, और कबूतर, बहुत सारी चीजें हलाल होती हैं। एक पूरी एक वीडियो है इसकी। यार एक काम करो, तुम लोग एक दूसरे को भी खा लो, मैं फतवा निकाल के आता हूं। अबे फाज मैं ना हिरण के जुगाड़ में, हिरण कहीं से मिल जाए ना, हिरण हिरण ज़बा करोगे हिरण को, कर देंगे हिरण के जुगाड़ में, मैं ना एक जगह से। वैसे एक बात बोलूं, हिरण को ज़बा नहीं करना चाहिए। क्यों? उनकी नस्ल और बढ़ानी चाहिए, जब वो और बढ़ जाएंगे ना फिर हम खाएंगे। अबे तो कब तक वेट करते रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे। ये बात भी। चलो यार इनको बंद कर देते हैं अंदर, भाई केज लेकर आए हम इसके अंदर। अबे गर्दन अंदर लेके जा, चलो अभी। अब कहाँ इसका शौहर, कहाँ शौहर? पकड़ पकड़ फाद, पकड़ 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 लिया, एक्सपर्ट हो गया आपका भाई। चलो भाई ऊपर से हम बैग रख दें ताकि भागे नहीं। अब पकड़ना है मुर्गी को और पकड़ के बिस्मिल्लाह। वाकई में तलवार से करोगे तुम? हाँ आज तलवार से ज़बा करते हैं। वाकई सीरियस? आर यू सीरियस? यस यस आई एम सीरियस। अबे ये तो बहुत ही तेज है, ये तो डाइवे लगा रही है क्रिकेट की तरह डाइवे। पकड़ी गई। ये ले फाद, आपका साई है, आज इसको हलाल करेंगे। वैसे एक बात बोलूं, नहीं करें, दिल नहीं चाह रहा है, मेरा भी नहीं चाह रहा था, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। वैसे एक बात बोलूं, हलाल कर सकते हैं भाई, अल्लाह ताला ने ये जानवर हमारे लिए बनाया। बिल्कुल ऐसी है, हम रोजाना मुर्गियां खाते हैं, शादियों में खाते हैं, शादियों में मुर्गियां खाते हैं, रोज खा रहे होते हैं, सब कुछ खा रहे। हाँ, और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं उनका भाई, वो तो हिंदू होते हैं ना, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला ने हलाल किया है। और गोश्त में जो ताकत होती है बिल्कुल, वो खाने से ना जवान भाई अर्तगल में नहीं देगा ऐसे खाते। तो भाई फाद भाई लेकर आ रहे हैं छुरियाँ और जो कसाई का सामान होता है वो लेकर आ रहे हैं, ताकि इसको हम इंशाल्लाह हलाल करें। मैं सोच रहा हूँ इसका ना हम वो बनाए, क्या होता है, बॉयल चिकन, क्योंकि हम लोग, मैं और सुनो भाई डाइट पे, लेकिन फाद वगैरह ब्रोस बनाना चाहिए। अच्छा मैं सिलेंडर भी लेकर आया अपने साथ, इधर आओ, ये सिलेंडर लेकर आया हूँ। अरे हाय हाय, बस 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 बस, अरे बस 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 बस, ठीक है ठीक है भाई। ये देखें, ये सिलेंडर है टाइट वाला, और इसमें ऐसी टाइट वाली आँख जलती है ना, ऐसी टाइट वाली, तो इसमें इंशाल्लाह पतीली रख के, पोर्टेबल चूल्हा है हमारे पास, इसमें बनाएंगे इंशाल्लाह। फाद भाई आ चुके हैं छुरियाँ लेकर, फुल खतरनाक वाली। अबे ओ अच्छा वैसे मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे करके दिखाएं, हाथ पे लग जाएगी, बहुत तेज छुरी है, तेज है ये, देखें ऐसे करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, ये ऐसे उछालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया ना, ये देखो अच्छा वो वाला करके दिखाएं, वो वाला कौन सा वाला, वो नहीं आता, ये तो आसान है, ये देखो, हो गया, मगर प्रॉपर तरीके से करें ना, इतना डर क्यों रहा, एक मिनट ये करके दिखाएं, चलें ये, ओ अबे लग जाएगी हाथ में मुर्गी से, मुर्गी के बजाय ना हम ज़िबा हो जाएंगे, क्या मुर्गी को ही कर लो, वो काफी है। टांगे पकड़े इसकी, इसकी टांगे, टांगे पकड़ो, चलो पकड़ ली टांगे, पकड़ ली टांगे, अभी मेरी पकड़ ली टांगे, पकड़ ली, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, चलो छुरी लो, कपड़े तो होते हैं, कपड़े क्या है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, खाल उतारेंगे हम तुम्हारी, पहले मुर्गी काट लो फिर मेरे को काट, चलो तुम आखिरी इसकी खाल उतारो, खाल देखो, चलो भाई चश्मा पहन के मुश्किल, चले भाई चलो, आप छुरी आप पहनेंगे, मैं फिर, हाँ मैं पहन लेता हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह, हराम गोश्त। अच्छा भाई फहद भाई की छत में ना आपको ऐसी चीजें मिलेंगी सारी, मतलब ये ना देखो चापड़ पड़ा हुआ है, कोई पुराना किस्म का पत्नी जंग आलू चापड़ है, यहाँ तलवार पड़ी हुई है, यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, अबे क्या है, अबे मुर्गी फिर से भाग गई, पकड़ फहद वहाँ से पकड़, यार पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली, चलो भाई बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले छोड़ी छुरी दे, हाँ कर लो, कर लो, छुरी दे नहीं होगी तो फिर तो मसला हो जाएगा, मसले मसाइल है ना, वो कटेगी नहीं, गर्दन पता चले आपने गर्दन की जगह पूरी गर्दन ही उड़ा दी, अब गलत होता है ना, वो हराम होता है। सोनू भाई बता रहे हैं मलेशिया में थे ना, तो भाई ऐसी डायरेक्ट चापड़ मारते थे, गर्दन अलग है ना, सुनो भाई क्या बता रहे थे आप, खरगोशों को पूरी गर्दन अलग होगी, गिरती थी दूर जाके, पता नहीं कैसे करते हैं, पागल लोग हैं, ज़िबा तो आप करेंगे ना, मैं करूँ ज़िबा, चलो कर लेते हैं यार, हमने भी थोड़े बहुत छोटे मोटे जानवर किए हैं, कबूतर नहीं, ये मुझे ऐसे पकड़े, हाँ किबले की तरफ करते हैं, किबले की तरफ ऐसे करेंगे ये, चलो इसका मुंह पकड़ लिया, लाओ छुरी, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह हु बिस्मिल्लाह अल्लाह हु बिस्मिल्लाह अल्लाह हु, इसकी खाल उतारना भी आसान नहीं है, इसका देख हैं, हां जी फार्म मुर्गी की तो यूं ही उतर जाती है, इसकी खाल उतारना, तो भाई फाइनली मुर्गी ज़िबा हो चुकी है फुल टाइट वाली। अच्छा इसका गोश्त ना बड़ा सख्त लग रहा है, और अभी इसको हम बनाएंगे, फहद भाई कह रहे थे ब्रोस बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा यार ब्रोस तो हम बनाते ही रहते हैं, ब्रोस खाते ही रहते हैं, आज हम इसको खाएंगे बॉयल करके। फहद भाई लेकर आ रहे हैं एक बड़ी सी पतीली, उसमें इसको डालेंगे, पानी डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, और डाल के बॉयल करके साबुत साबुत खाएंगे।
सोचो ये रोज बन के सामने होगी और उसमें तोड़ तोड़ के खा रहे होंगे, मजा आएगा, मतलब टाइड वाला आला सीन हो जाएगा। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें रखेंगे इंशाल्लाह बड़ी पतीली और पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। सोनू भाई थोड़ी देर पहले अभी जिंदा थी, हैं? मैंने यूं पकड़ा हुआ था। कैसे पकड़ा हुआ था? अभी पकड़ो ऐसे, अब तो डर नहीं लग रहा? उस वक्त डर रहे थे ना? उस वक्त भी क्या डर ना, लेकिन उलझन होती है मुझे थोड़ा सा। उलझन होती है, अभी तो नहीं हो रही उलझन? नहीं, अब कहां की, अब तो पेट में जाएगी आप लोगों के। और पकने के बाद तो उलझन होगी नहीं बिल्कुल, वो तो फिर तोड़ तोड़ के खाओगे आप, नियत्ते आदमी, मुझे पता है। हैं, क्या बुरा मान गए? वैसे यार एक बात है, मैं समझ रहा था मुर्गी का गोश्त ना बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत बड़ी मुर्गी है इसलिए बड़ा गोश्त निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नॉर्मल सा गोश्त निकला। बल्कि फार्मी मुर्गी देखने में छोटी लगती है लेकिन गोश्त ज्यादा निकलता है, देसी मुर्गी देखने में बड़ी लगती है लेकिन गोश्त है ना छोटा छोटा सा निकला है, वरना मुर्गी देखने में कितनी बड़ी थी। बत्तखों को भी अब आजाद कर देते हैं क्योंकि मुर्गी का काम हो चुका है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग बोलोगे एक ही केज है उसमें सब कुछ करते हैं, खरगोश भी उसमें जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, काटना नहीं, काटना नहीं बेटा, काटना नहीं। जाओ भाई अपने शौहर के पास, अब खेलो कूदो मौज करो, जाओ अंडे दो, अंडे दो ताकि हम लोग खाए। तो स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें बत्तखों को डालते हैं, नहलाते हैं, नहर में लेके चलो, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। हैं बहाने, आप भी नहालोगे मैं भी नहालूंगा। नहीं मेरे पास एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है, उसमें हो सकता है इस बत्तख को, तीनों बत्तखों को नहला दें, है ना, मज़ा आएगा ना। चलो प्लान करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। भाई सामने ना हमने मुर्गी की जो ओझली वगैरह होती है ना वो हमने डाल दी थी, आसमान पे चेक करो चीले कौवे सब आ गए भर भर के, सब के सब मतलब इस आश्रय में आएंगे। मेरे को तो खुद फटी पड़ी है, मेरे पास है ये हमला, मेरे पे आ गए चीले, हाँ चीले चीले आ गई भाई, माशाल्लाह से बड़ी पतीली आ गई, काफी बड़ी है, इसमें आराम से आएगी, डालो इसमें जरा। अबे ये तो छोटी सी है मुर्गी, आराम से आएगी, टेंशन की बात नहीं है। कट कर दो थोड़ा। नहीं कट कर देंगे लेकिन इसको खाएंगे साबुत ही, हम कट लगा देंगे इसमें छोटे छोटे, है ना। फाद माचिस लाए, सोया सॉस और नमक लेकर आ जाओ बस, इसमें हम पानी डालते थे जब तक। अबे यार सोया सॉस तो है ही नहीं, सोया सॉस तो है नहीं, अब देखिए हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, ये तो बंद हो गया। सोया सॉस से तो टेस्ट आता है, क्या करें बताएं, क्या करें बताएं। सुनो भाई से मंगवा लेते सोया सॉस, हाँ मंगवा लेते हैं तो थूक डाल देते हैं। थूक? तुम्हारी काली थूक है सोया सॉस की? सॉस काला होता है ना? हाँ ना काला होता है वो, ये कौवा पकड़ के डाल दें, ये भी तो काला है। क्या करें बताओ क्या करें, ये तो नॉर्मल सा होगा। ये एक काम करते चढ़ा देते हैं अभी सोया सॉस, बाद में डाल देंगे तो कर लो, फिर बाद में जो करना कर लेना यार। किसको गर्म कर लें? मुर्गी को। अच्छा मुर्गी को, अच्छा अच्छा। बहुत तेज चूल्हा है यार ये, बहुत तेज चूल्हा है, खतरनाक वाला है, ऐसी तरह तो दोसक में भी जला जाएगा, टेंशन ना बेटा आप जलो। अबे हवा भी तेज चल रही है फुल टाइड वाली, जैसे दोसक का बोला इसका चश्मा गिर गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओ जल गया जल गया जल गया। अबे लेकिन हवा चल रही है तेज है ना, खैर ये रखेंगे तो सेट हो जाएगा। अच्छा काफी देर में होगा क्योंकि ना ये पानी बहुत ज्यादा है, उबलने में टाइम लगेगा इसमें। भाई सीन ये है यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है, तो इसको उठा के हम किसी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ हवा का जोर ना हो। पाइप किस चीज का, जल तो नहीं जाएगा पाइप? ये पाइप तो नहीं चलेगा, पाइप गैस का तो नहीं है? अबे भाई बंड है, गैस का पाइप पूरे घर में आ जाएगा। क्या करें ऐसी जगह, अंदर चले उधर लेकर चलते हैं उधर, आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह, ये सही है, बेहतरीन जगह, ये सही है, अब हवा नहीं आएगी यहाँ पर। भाई इसकी आवाज चेक करो, देख रहे हो गैस, देख रहे हो कितनी ज्यादा है, बहुत खतरनाक है। सिलेंडर फट ना जाए, पुराना सिलेंडर है, फट भी सकता है पता है। सुनो भाई जल्दी मुर्गी लेकर आ जाओ, क्या चल रहा है, जनाजे की डोली उठा रहे हैं हम, चलो घूमो घूमो घूमो। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जनाजा बालिग मर्द का है यार, मैं तो कैद हो गया। अब सही है, अब भाई अभी एक सीन है, फहद भाई का चश्मा पड़ा हुआ है सामने। अबे यार फहद ऐसे बाप चश्मा लिया मैंने कभी खरीदा, इतवार बाजार से, तो बाप इतवार बाजार से लिया, ये देखो गाड़ी है, गाड़ी है, देखो मुझे 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 चश्मा दे रहे हैं, मैं फेंक दूं, ब्लैक में लेंगे। ये ले भाई, बहुत खतरनाक चश्मा, आम चश्मा। तो भाई चिकन काफी हद तक गल चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, सिरका और चिल्ली सॉस है। कैमरा मैन गिर गया मेरा। अबे चलो भाई, यहाँ तो गिर बुड्ढे आदमी हो गए, आप मान लो बोले बुड्ढे हो गए। अच्छा अच्छा चलो ये पकड़ लो। तो भाई हमारे पास है सोया सॉस, सिरका और चिल्ली सॉस। अच्छा भाई ये जो देसी चिकन है ना इसमें से ऑयल बहुत निकलता है, ये देखो कितना माशाल्लाह ऑयल निकला, ये जो येलो येलो है ना ये सारा ऑयल है। अब डालते हैं सोया सॉस, माशाल्लाह भाई अब आएगा मजा टाइट वाला। अभी सुनो भाई पता इसमें गिरे गंदा वाला, कैमरा मैन वो कर रहे हैं भाई, अब बैठ के क्या खाए ये बताओ भाई, बैठ के खाना है ना, इतनी बाप जगह मैं आपको लेके जाऊंगा, सबसे ऊपर
सबसे ऊपर आसमान में बैठ के खाएंगे। अच्छा अंदर ही नहाते नहीं ऊपर बैठ के खाते ऊपर बैठ के खाते मजा आएगा यार। लेवल सीन होगा लेवल आला सीन सीढ़ियां लगी हुई ना बोले माशाल्लाह भाई माशाल्लाह चेक करो मुंह में पानी आ रहा है। चेस इसका हो गया पक्का लेग जो है ना कच्चा लग रहा है लेग वाला लेग नहीं नहीं बन जाएगा भाई मेरे ख्याल से चिकन हो चुकी है फाइनल माशाल्लाह ओए होए अब इसको उठाना बहुत बड़ा अजाब है ना हमारे पास चम्मच है ना कुछ है ओए गरम हो रहा है तो बड़ा गरम हो रहा है ओ भाई बहुत गरम हो रहा है निकाल लिया मैंने थोड़ा सा ना मोटिवेट किया मैंने बोला मैं आ रहा हूं वैसे मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा फौजी प्रो मैक्स चूल्हा भी एक काम करके दिखा हां इस पानी के अंदर हाथ डाल के दिखा इस पानी के अंदर हाथ डालूं मेरे डाल दिया गरम हो रहा है कुछ भी नहीं है ये ले कुछ भी नहीं है ये ले मैंने ये देखो ना हाथ डाल के दिखाया मुझे नहीं लगता ये लो डाल माशाल्लाह माशाल्लाह भाई इसको तो ले लो हां ना ये ऊपर जाऊंगा आधे रास्ते में अच्छा सही है अबे यार बहुत ऊपर है मेरी फट रही है सीढ़ी भी इसकी ना बड़ी अजीब सी है नाक से जो भी है ना अबे गिरना नहीं मुर्गी लेके गिर आप गिर जाना मसला नहीं है मुर्गी नहीं गिराना फाद ऊपर से सीढ़ी पलटा दे फुल फटी भाई फाइनली रोस्ट हमारा जा चुका है ऊपर बा हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह सोनू भाई गिर जा खैर नो भाई मोबाइल पकड़ लो मोबाइल नहीं पकड़ना मैं अबे वो बहुत ऊपर है ये लो अबे फास्ट सीढ़ी तो कोई ढंग की ले ले अबे ओके यार क्या जगह है आए हाय और पीछे आसमान चेक करो ऑरेंज ऑरेंज उफ ऐसी जगह आपको मजा आ गया मतलब आप में भी नहीं मिले माशाल्लाह भाई हमारा रोस्ट अबे बैठेंगे कहां है तो लकड़ी है ऊपर ये अच्छा इससे भी ऊपर है इससे भी ऊपर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई आपके लिए हमने बनाया स्पेशल असील मुर्गी का रोस्ट सिर्फ मेरे लिए आपके लिए स्पेशली आपका इंतजार देखो आप आए हो तो यहां पर तैयार हुआ है माशाल्लाह 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 भाई आ जाओ भाई कितना ऊपर ले जा रहा है फुल ऊपर ऐसी जगह आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी 100-200 ले ले लैंड करा दे ये बॉयल है ये डाइट के हिसाब से अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं है ना असल में यहाँ पर तीन बंदे डाइट वाले हैं फहद भाई तो कोई डाइट करते नहीं है फिर भी माशाल्लाह फिट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मरहबा और सुनो भाई क्या हाल है माशाल्लाह चलो फहद तुम कैमरा मैनिंग करते रहो कैमरा कर रहा है वैसे तो तुम खाते रहते हो हां तुम कैमरा चलाते रहो हम खाते रहते हैं अबे तू वैसे भी बहुत खाते रहता है भाई क्या सीन है गोश्त तो टूट ही नहीं रहा नहीं है फुल कड़क हुआ है इसके ऊपर पता है क्या बोलना चाहिए इसके ऊपर बोलना चाहिए भाई अरे मिलेगी अरे मिलेगी काटने के लिए यार वैसे टेस्ट है ना टेस्ट तो है उस्ताद लेकिन इसको और गर्म करना था या फिर गर्म नहीं उबालना था सही से बोलो इसमें सोया सॉस तो डालो ये खाली खाली लग रही है अबे यही करना चाहिए यार खाना लाए खुद बंदा उसको ज़िबा करे पका के खा ले अब आएगा ना मजा हाँ वाह मच्छर पुत्र मजा ही आ गया मजा आ गया ये तो डान उठा ली बाद में तो पूरी इसकी तो हम हड्डी भी चबा सकते अबे अर्तुरुल याद आ रहा है बकरे का गोश्त लग रहा है बकरे का सुनो भाई कैसी है जबरदस्त मजा आ गया ना मैंने अभी मुर्गा पूछा देसी मुर्गा बोल रहे भाई 1000 रुपए किलो मुर्गा है वो अच्छा एक होता है देसी ये असील देसी से भी ऊपर की चीज है भाई ना हाँ असील मुर्गी थी माशाल्लाह बड़ी सख्त है भाई थोड़ी देर पहले मुर्गी थी जिंदा उसके बाद उसका बना चिकन बॉयल अब देखो क्या हालत है अबे सब खा गए कुछ भी नहीं छोड़ा भाई मजा आ गया आज खाकर देसी चिकन की ना बात ही अलग है तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में तब तक के लिए इजाजत दीजिए मिशकात खान को अल्लाह हाफिज़।